जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि मालूम है आप लोग को कि आज जन्माष्टमी का दिन है, तो मौसम बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। शायद बारिश हो, पक्का नहीं कहा जा सकता, अक्सर होता ही है बारिश। इसके पहले कि बारिश का पानी फैल जाए, हम लोग फटाफट से अपने काम में चल जाते हैं। हम किचन में आ गए हैं भगवान जी यानी कि ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। इसमें हम तरह तरह का व्यंजन हम लोग जो बनाते हैं, अरवी की सब्जी है और आलू का बेगर बना के रखे हुए हैं, आलू और कोहड़े का पकौड़ी है। इसमें मेवे का पट्टी जमाएंगे, नारियल का बुरादा मिक्स करेंगे और मेवे का खीर बनाएंगे। और इसके साथ ही हम लोग आटा का हलवा, जो सिंघाड़ा का आटा होता है उसका हलवा जमाएंगे। तो अच्छे से आलू और कोहड़े को हम मिक्स करके बना रहे हैं। वैसे तो अक्सर अलग अलग ही बनाते हैं, लेकिन इस बार तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो काम थोड़ा छोटे रूप में कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड डोज की वजह से मुझे बहुत ही फीवर और सर्दी खांसी सब कुछ हो रखा है। तो इसलिए हम अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं। मेरा भोग बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, मेवा का खीर। हम सारे मेवा मिक्स करके इसमें एक बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा खीर बनाए हैं और सिंघाड़े के आटा का इस तरह से हलवा बना के इसको पट्टी जैसा जमा दिए थे। मेवे का भी पट्टी हम जमा चुके हैं और उसके बाद हम इसमें गरम गरम पूड़ी, और पूड़ी में ये सिंघाड़े के आटा का पूड़ी है, इसमें आलू का बेगर बना के इसको अंदर भर के छाने हुए हैं। आलू और कोहड़े का हम पकौड़ी छान लिए हैं और थोड़ा सा अरवी का सब्जी भी इसमें हम रखेंगे और कोहड़े का सब्जी भी रखे हैं। और हम दो और सब्जी बनाए हैं जो बिल्कुल भी इसमें जगह नहीं है, तो वो सब हम छोड़ दिए हैं, वो सब नहीं रखे हैं। और मेरा भोग का थाली तैयार है। अब हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं, ऊपर यानी मंदिर के पास अपने घर के, देखें वहाँ क्या तैयारी चल रहा है। सारे बच्चे ऊपर ही लगे हुए हैं, तो वाह, यहाँ तो बहुत ही अच्छे से सारा तैयारी हो चुका है कृष्ण जन्माष्टमी का। थोड़ा सा गुब्बारा, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा फूल माला पत्ती सारा कुछ यहाँ लगा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा बिल्कुल भी मन मिजाज ठीक नहीं है, मतलब पूजा के लिए नहीं, तबीयत के लिए लेके। लेकिन हमें ऊपर आना पड़ा है लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए, तो चनामृत से हम उनका स्नान करवाएंगे और साथ में गंगा जल भी रखे हैं। तो इस काम में मेरा चारू बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, जैसा कि वो हर साल करती है। इस खास दिन का उसको बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है कि जन्माष्टमी, जबकि वो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। वो ही नहीं, मुझे लगता है कि सारे लोग ही कृष्ण भगवान के बहुत भक्त होते हैं, खास करके छोटी कन्या जो होती हैं, छोटी लड़कियाँ जो होती हैं जिन्हें कृष्ण भगवान से बहुत लगाव होता है। तो उसी तरह चारू भी है, वो बचपन से ही बहुत शौक़ रखी हुई है कृष्ण भगवान के पूजा पाठ का, तो वो हर काम में आगे आगे रहेगी। सामान अगर उनका कुछ लेना है तो भी वो साथ में जाएगी, जैसा कि मोर पंखी लाना भूल गए थे पापा उसके, और जब वो सारे सामान को लेकर ऊपर पहुंची, कपड़ा वगैरह सब निकाली देखी, तो उसे लगा कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, पापा तो कृष्ण भगवान का मोर पंखी ही नहीं लाए हैं, वो बात बात में भूल के चले आए। तो उसे बहुत बुरा लगा कि ये क्या बात है, पापा कैसे भूल सकते हैं। फिर हम लोग उसको समझाएं कि ठीक है तुम जाओ और मोरपंखी बाहर से दूसरा खरीद के ले आओ। तो मोरपंखी लाने के बाद वो अपने तैयारी में लग चुकी है और कमल खिला रहे हैं पापा इनके बैठ के। दो कमल का फूल जो बंद होता है, जिसको हाथ से ही घर में धीरे धीरे एक एक पत्ती खोल के फैला के उसको पूरा फूल तैयार कर देते हैं। तो जैसा कि लड्डू गोपाल जी का नहाना हो गया है स्नान, अब हम उनको नया कपड़ा पहनाएंगे। तो कपड़ा, जैसा कि हम उनको कपड़ा पहना रहे हैं, लेकिन बताएं ना, तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा दिमाग और मूड भी सही नहीं है, तो हम उनको गलत तरीके से कपड़ा पहना रहे हैं। हमें पहले ये हाथ वाला डालना चाहिए था, जिसकी वजह से वो कपड़ा ठीक से पहन नहीं पा रहे हैं, और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये गड़बड़ कैसे हो गया। फिर चारू नैन्सी को हमें बताया कि अरे ये हाथ पहले डाल दीजिए, उसके बाद ये आसानी से चला जाएगा। तो कपड़ा भगवान जी पहन लिए हैं और उनका जेवर भी, जैसा कि चारू बहुत ही घुंघरू भरा उनका दो पायल और दो हाथ का कड़ा ले आई थी, तो वो सारा जेवर भी हम उनको पहना रहे हैं अच्छे से। और इतने छोटे से भगवान जी हैं, अब इनका माला जो कि इनके हिसाब से, भगवान के हिसाब से ये माला भी बड़ा लग रहा है, तो इसको हम पीछे से डोरी काट के अच्छे से बांध के इसको भी अब हम सेट कर देंगे। ऐसा कि आज के दिन बारिश तो होता ही है,
लेकिन हम लोग के बनारस में हर शहर का तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ बनारस में हम लोग दो बार मनाते हैं जन्म कृष्ण जन्माष्टमी। एक होता है विश्वनाथ जी मंदिर के तरफ से, एक होता है गोपाल मंदिर के तरफ से। तो हम लोग जो मनाते हैं वो गोपाल मंदिर के तरफ से। वैसे तो दो एक दिन पहले से ही घर में अगर छोटे बच्चे हों तो वो खिलौना वगैरह निकाल के बहुत पहले से ही सजावट कर लेते हैं। तो हम लोग इस बार थोड़ा सा कम सजाए हैं, लेकिन फूल माला पत्ती फल सारा कुछ बहुत अच्छे से लगा हुआ है। चारू पूरी तरह से मेरे साथ लगी हुई है, भगवान जी के पालना भी तैयार है और उनके पालना में थोड़ा सा फूल रखा जा रहा है, गुलाब की पंखुड़ी, और उसके बाद उस पर हम भगवान को बैठा देंगे। थोड़ा सा पालना का हम लोग झूला झुलाएँगे, जैसा कि आप सब करते हो, ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं। ये सारे मुझे लगता है कि जितने भी हिंदू लोग हैं वो सारे इसी ढंग से पूजा पाठ करते हैं कृष्ण भगवान का। अब जन्म पहले तो ये हम नहीं देखे थे, लेकिन अब बच्चे शौक से जैसे फ्रूटी है, चॉकलेट है, नमकीन है, केक वगैरह भी चढ़ाते हैं। तो ये सब कुछ चारों अपने पसंद से बिस्किट वगैरह भी सब ले आई हैं, और हम कमल का फूल भी अच्छे से दोनों खिला दिए हैं इनके पापा। अब हम इसको भी अच्छे से सेट करके लगा दे रहे हैं कि कहीं जगह नहीं बचा हुआ है लगाने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से दोनों फूल अच्छे से टिक गया है। फ्रूटी के डिब्बा के ऊपर ही हम इसे टिका दिए हैं। नाच लेते हैं, थोड़ा झूम लेते हैं। तो भगवान जी को भोग लगाने का भी पूरा भोजन आ गया है नीचे से और उनको भोग लग गया है। सॉरी मुझे बीच बीच में अभी भी खांसी बहुत आ रहा है, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो गया है, पर कोई बात नहीं, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अब वीडियो बनाए हैं तो हम वीडियो डाल दें। लेकिन मेरा जो इसके पहले का छठ माता का पूजा हम किए थे वो वीडियो नहीं डाल पाए, वीडियो बनाए तो थे लेकिन हम नहीं कर पाए थे उसको। तो अब थोड़ा सा मेरा पूजा का सारा काम हो गया है, भोग भी लग गया है, भगवान जी का मंदिर भी पूरा सज गया है। तो डर लग रहा कहीं दिया बुझ न जाए, कहीं पर हाथ लगा के उसको आग देना चाहिए, और जिसकी वजह से आरती कर रहे हैं और एक हाथ से भगवान ताकि सारे लोग ऐसे ही फैमिली के साथ मिलके पूजा पाठ करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।